दोस्तों म्यूचुअल फंड की सीरीज की इस तीसरी वीडियो में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त विपुल कौशिक आपका स्वागत करता हूं आपके ही अपने YouTube चैनल स्टॉक मार्केट टुडे पे। और आज हम देखने वाले हैं कि म्यूचुअल फंड में निवेश किया कैसे जाए, क्या पहला स्टेप हुआ, करना क्या होगा, म्यूचुअल फंड के बारे में समझ लिया कि म्यूचुअल फंड अच्छे हैं, म्यूचुअल फंड सही है, नॉर्मल म्यूचुअल फंड है, ओपन एंडेड है, क्लोज एंडेड है, ELSS स्कीम्स है, बट इसमें निवेश किया कैसे जाए, क्या फॉर्मेलिटीज करनी होती है। चलिए इस वीडियो में आप देखेंगे, जिनको मालूम है वो स्किप कर सकते हैं, जिनको नहीं मालूम प्लीज वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अब देखते हैं कि म्यूचुअल फंड में निवेश कैसे किया जाए। दो तरीके हैं दोस्तों म्यूचुअल फंड में निवेश करने के, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। डायरेक्टली मतलब आप खुद किसी भी म्यूचुअल फंड को जिसमें आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जिसमें निवेश करना चाहते हैं, उसकी वेबसाइट पे जाइए, अपना KYC फॉर्म सबमिट कीजिए, अब वहां पे खुद ही पैसा लगा सकते हैं, किसी एजेंट की जरूरत नहीं है। दूसरा है कि आप किसी भी IFA जिसको हम इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल एडवाइजर कहते हैं, फंड डिस्ट्रीब्यूटर हो सकता है वो, या कोई ब्रोकर हो सकता है, जो शेयर ब्रोकर है वो म्यूचुअल फंड बेचने का भी काम करते हैं, तो आप इन तीनों में से किसी से भी ले सकते हैं। डायरेक्ट पैसा लगाने का फायदा यह है कि अगर आपको पूरी इंफॉर्मेशन है इस इंडस्ट्री के बारे में तो आप डायरेक्ट पैसा लगाइए, खुद ही वेबसाइट पे जाइए, अपना लॉगिन आईडी क्रिएट कीजिए, फॉर्म सबमिट कीजिए, ठीक है, आपका इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। बट अगर आपको ये सब चीजें नहीं करनी आती हैं तो आप किसी IFA को, किसी ब्रोकर को चूज कर सकते हैं। बहुत छोटी सी कॉस्ट होती है इसमें, कोई लंबी चौड़ी ब्रोकरेज नहीं देनी होती, बहुत ही मामूली सी कॉस्ट आपकी जाती है। तो अगर आप डायरेक्ट करना चाहें तो डायरेक्ट कर सकते हैं। देखिए डायरेक्ट करने का फायदा क्या है कि आपको खुद मालूम है कौन सी एजेंसी के म्यूचुअल फंड में आप लगाना चाहते हैं, उनका ऑफिस कहां है, आपको खुद ही ऑफिस में जाना होगा, खुद ही फॉर्म भरना होगा, खुद ही सबमिट करना होगा, KYC खुद करनी होगी, फॉर्म अगर पैसा निकालना चाहते हैं तो विड्रॉल के लिए एप्लीकेशंस खुद लगानी होगी, आप उसमें टॉपअप करना चाहते हैं तो वो सब खुद करना होगा, सभी कम्युनिकेशन आपको, कॉरेस्पोंडेंस आपको खुद करनी होगी। वहीं अगर आप ये चाहते हैं कि आपके बिहाफ पे छोटी सी फीस लेके कोई आपके साथ काम करे, बहुत छोटी सी फीस लेके, बहुत नॉमिनल फीस है दोस्तों, तो आप किसी IFA को, इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल एडवाइजर को, या किसी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को, या किसी ब्रोकर को चूज कर सकते हैं, जहां आप सिर्फ उसको फोन करेंगे, उसका एजेंट आपके घर आएगा, फॉर्म लेके जाएगा, जमा कराएगा, जब आपको चीज चाहिए होगी, आपको स्कीम चेंज करनी है, स्कीम को विड्रॉ करना है, स्कीम में कोई आपको चेंजेस चाहिए तो आपके लिए IFA हमेशा मौजूद होगा। तो आपकी चॉइस है, आप डायरेक्टली करना चाहते हैं या इनडायरेक्टली करना चाहते हैं। दोस्तों आप दो तरीके से इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ऑनलाइन या ऑफलाइन। ऑनलाइन मतलब आपको इंटरनेट का इस्तेमाल करना होगा, ऑफलाइन मतलब एक फिजिकल फॉर्म आपको भरना होगा। कहीं भी डॉक्यूमेंटेशन करने के लिए आपको KYC करनी होती है। KYC फुल फॉर्म है नो योर कस्टमर, क्योंकि जो एजेंसी आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर रही है उसको पूरा अधिकार है, कानूनी अधिकार है कि आपके बारे में पूरा जाने। तो KYC करने का सिंपल तरीका है जैसे आप बाकी जगह KYC करते हैं, यहां भी KYC करनी होगी। सबसे पहले आपको KYC का एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा, उसके बाद आपको एक फोटो आइडेंटिफिकेशन की कॉपी लगानी होगी, वो आपका आधार हो सकता है, वो आपका ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, वो आपका पासपोर्ट हो सकता है, वो आपका वोटर आइडेंटिटी कार्ड हो सकता है, वो कोई आइडेंटिफिकेशन कार्ड हो सकता है जो पब्लिक सेक्टर ने इशू किया हो, कोई परमानेंट अकाउंट नंबर, पैन नंबर जिसे कहते हैं वो भी हो सकता है, और साथ में आपको कैंसिल चेक लगाना जरूरी है जिससे आपका बैंक मैप होगा। दोस्तों समरी क्या रही, सबसे पहले क्या करना है, फिल इन द KYC फॉर्म, अटैच द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, सबमिट दी एप्लीकेशन ऑनलाइन और ऑफलाइन जैसा आपका मन करे, और ये रहा आपका निवेश शुरू। दोस्तों इसके साथ मैं आपको एक टिप देना चाहूंगा, अगर आपने अभी तक म्यूचुअल फंड्स में निवेश नहीं किया है तो आज ही शुरू कीजिए, क्योंकि SIP के माध्यम से किया हुआ निवेश लंबे समय में आपको चौंका सकता है। आप छोटी सी इन्वेस्टमेंट से करोड़पति बन सकते हैं। अगर आप भी करोड़ों रुपए कमाना चाहते हैं तो छोटे से निवेश को आज शुरू कीजिए, जितना अर्ली स्टार्ट करेंगे उतना ज्यादा वेल्थ क्रिएट होगी। और हाँ, 500,000-2,000 रुपए की SIP करने में कोई हर्ज नहीं है दोस्तों। अगर आपने छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपके फ्यूचर के लिए कर दिया तो फ्यूचर आपका ऑलरेडी सिक्योर समझिए। जी हाँ, ये मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको दावा दे सकता हूं कि अगर आपने अर्ली स्टार्ट किया, जितना अर्ली, जो 20 साल की उम्र में म्यूचुअल फंड स्टार्ट करेगा और जो 30 साल की उम्र में म्यूचुअल फंड स्टार्ट करेगा, उसकी वेल्थ क्रिएशन में बहुत ज्यादा अंतर होगा, बहुत ज्यादा। तो जितना अर्ली आप स्टार्ट कर सकते हैं, आप छोटे अमाउंट से स्टार्ट कीजिए, 500 रुपए से स्टार्ट कीजिए, 1,000 रुपए से स्टार्ट कीजिए। जब आपकी सैलरी बढ़े आप उसको 2,000 को बढ़ा के 4,000 कीजिए, 5,000 कीजिए। जब आपकी सैलरी लाखों में आए तो हजारों में अपनी SIP को आप स्टार्ट कर सकते हैं। बट कीजिए जरूर, अर्ली स्टार्ट बेटर यू गेट। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, जय हिंद।